नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। आज हम सबसे पहले बात करेंगे योग की, और वो भी जम्मू कश्मीर के खूबसूरत नज़ारों के बीच। जम्मू कश्मीर ने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे बदलाव देखे हैं, लेकिन उस बदलाव को नई रफ्तार योग क्रांति से मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्रीनगर में थे, जहां डल झील के किनारे उन्होंने बच्चों के साथ योग किया। उस योग से जहां नए कश्मीर के योगदान को रेखांकित किया गया, वहीं कई भ्रांतियां भी मिट गईं कि घाटी में बदलाव नहीं हो सकता। आज आलम यह है कि जम्मू कश्मीर में योग को लेकर ही जितना जोश दिखा वो काबिले तारीफ है। जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था वो कश्मीर, उस कश्मीर की वादियाँ, उस कश्मीर की खूबसूरती, उस कश्मीर की राजधानी तब वाकई किसी जन्नत में बदल गई जब वहाँ जिंदगी को खूबसूरत आकार देने वाला योग होने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 10 साल बाद योग के लिए श्रीनगर को चुना। जम्मू और कश्मीर की ये राजधानी जिस तरह योग के लिए उत्साह और हौसले से भरी हुई थी, उससे लग रहा था मानो ये योग की भी राजधानी हो। साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के दौर में हर और सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बच्चों संग योग किया। जिस कश्मीर से कभी आतंकी बारूद की गंध आती थी, आज उसी कश्मीर में जिंदगी में नई फुर्ती जोड़ने वाले योग की खुशबू आ रही है। जहां पहले आतंकियों की बंदूकें बेगुनाहों की जान लेती थी, वहां योग भारत को दुनिया की तरक्की के साथ जोड़ रहा है। The theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Self and Society. The world is looking at yoga as a powerful agent of global good. Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. डल झील के किनारे योग को लेकर ऐसा खूबसूरत नजारा ये बताने के लिए काफी है कि 21वीं के तीसरे दशक का कश्मीर कितनी तेजी से और कितनी सकारात्मक दिशा में बदल रहा है। जिन बच्चों के चेहरों पर आतंक का अनजाना डर खौफ रहता था, अब उन चेहरों पर मासूम मुस्कान है। जो बच्चे अपने घरों में दुबके रहते थे, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग करते नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से कुछ कहते भी नजर आए। उसी तरह स्थानीय लोगों के साथ भारत के प्रधानमंत्री का इस तरह घुलना मिलना, सेल्फी लेना, बातें करना, ये बताता है कि क्यों जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और क्यों कश्मीर एक नई क्रांति का साक्षी बन रहा है। जहां आतंक से लेकर चुनाव के प्रतिरोध की तमाम भ्रांतियां एक एक कर बर्फ की चट्टानों की तरह टूट रही हैं, लोगों की खुशियां इस बात की गवाही देती हैं।
कभी संगीनों के साए डल झील सिसकी लेती थी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर डल झील के किनारे 7,000 से ज्यादा लोग पहुंचे। इनके चेहरों पर छाया सुकून ये बताने के लिए काफी है कि हालात कैसे बदले हैं। जो हाथ डर के मारे बंधे होते थे वो अब खुले आसमान को अपनी बाहों में भर लेना चाहते हैं। ये बदलाव ही नहीं, नई कश्मीर की झलक दिखाता है। रोजगार के लिए नई संभावनाएं योग के रास्ते खोल रही हैं। जम्मू और कश्मीर ने करीब 3.5 दशक तक आतंक के बेहद बुरे दौर को देखा था। अब स्मृति की नई वादियां दिख रही हैं, इसलिए कि रोजगार के नए साधन के रूप में योग भी सामने आ चुका है। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। तुम्हें लगता है कि योगा जो है वो एक रोजगार या फिर अपॉर्चुनिटीज दे सकता है युवा वर्ग को? तुम ऑलरेडी काम कर रही हो यहाँ पर, तो और अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, जैसे कि प्रधानमंत्री बोल रहे थे? जी बिल्कुल, जैसे अस्तंग योगा है, विन्यासा फ्लो है, तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं योगा के टाइप्स जो है, तो अलग अलग चीज़ों में जाके, अलग अलग टाइप्स में जाके आप अलग अलग अपना रोजगार कमा सकते हैं। स्पोर्ट्स में जाएंगे तो जैसे मैंने बोला योगा आसना, वहाँ पर आप कोच बन सकते हैं। तो आप देखिए थेरेप्यूटिक योगा आप कर सकते हैं, जहाँ पे आप डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं, लाइक देखेंगे थायराइड होता है, ये सारी डायबिटीज़ होता है, ऐसी कितनी सारी डिजीज़ है या डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम है, तो योगा, थेरेप्यूटिक योगा उसको क्योर कर सकता है। कुदरत ने जिसे सौंदर्य से जम्मू और कश्मीर को नवाजा है, ये प्राकृतिक खूबसूरती ही कश्मीर की रोजी रोटी का एक जरिया है। यहाँ हर साल आने वाले लाखों पर्यटक यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी बेहतर बनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसमें योग का तड़का लगाकर इसको और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कि योगा किस तरह से एक जॉब अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिक फैक्टर जो बन सकता है कश्मीर घाटी के लिए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कई फॉरेनर्स या कई लोग जो हैं वो ठंडे इलाकों में जाकर योगा करना पसंद करते हैं, तो ऐसे में लोग हिमाचल जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, तो अगर कश्मीर घाटी में भी इस तरह के एवेन्यूज खुले तो वो लोगों को काफी बेनिफिट करेंगे, खास करके युवा वर्ग को। जम्मू और कश्मीर के लिए समय का चक्र बदल रहा है। योग का मतलब जोड़ना होता है। ये योग ही कश्मीर को अब आर्थिक विकास और खुशहाली की डोर से जोड़ने जा रहा है। श्रीनगर से नीता शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब धरती पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की वादियों में नई बहार दिखती है। जिन हाथों में पत्थर होते थे, अब उन हाथों में रोजगार के साधन हैं। अब घाटी में आतंकी बारूद की जगह खुशहाली की खुशबू आती है। उसी का नतीजा है कि लोकसभा चुनाव में अब की बार कश्मीर में बहुत अच्छी वोटिंग हुई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव तो होंगे ही, पूर्ण राज्य का दर्जा भी जल्द ही मिलेगा। ना ना डरिए नहीं, ये तस्वीर आज के किसी आतंकी हमले की नहीं है, बल्कि ये बीते जमाने की बात है, जहां आतंकी अंधेरी रात होती थी। वहां उम्मीदों की नई सुबह हो चुकी है। जिस पुलवामा को एक वक्त आतंक का नाग दस्ता रहता था, उसी पुलवामा के नौजवान लोकतंत्र के लिए नई नई बातें कर रही हैं। हमारा पुलवामा आज लेवेंडर टाउन के नाम से जाना जाता है। हमारा पुलवामा ने लास्ट ईयर 1200 करोड़ जीएसटी दी। अगर हम देखें वहाँ पे, अगर हम देखें, हमें बस लेथपोरा अटैक के नाम से जाना जाता है। अगर हम देखें पुलवामा में इंडस्ट्रियल हब है, जो हमारे यूथ्स हैं उन्होंने कंट्री को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट किया। अब ये चीज़ था कि इस चीज़ को कोई शोकेस नहीं कर पाता था, हम बस एक अटैक के नाम से जाना जाते थे। वो अटैक हमारे पुलवामा के नाम पे एक धब्बा था, लेकिन अगर हम देखें कि हमारे पुलवामा में पोटेंशियल है और बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज़ है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि यूथ किस तरीके से मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर रहे हैं अपने आप को,
बहुत सारी स्टोरीज आपको पुलवामा में मिलेगी जो जिन्होंने अपनी आपको और अपने आप को रिप्रेजेंट किया है देश के लिए। मैं ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है पुलवामा के लिए। घाटी की फिजा बदल रही है तो इसके पीछे तीन कारण हैं। एक तो आतंक का सफाया, दूसरा विकास की नई धारा और तीसरा लोकतंत्र का विश्वास। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। 5 अगस्त 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ऐलान किया कि अब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 नहीं रहेगा। इससे ये अंदेशा भी जताया जा रहा था कि कहीं राज्य के लोगों का गुस्सा ना बढ़ जाए और वो उग्रवादी घटनाओं में लिप्त हो जाएं, क्योंकि पहले पत्थरबाजी की तमाम घटनाएं होती थी। लेकिन 5 अगस्त 2016 से 5 अगस्त 2019 तक विरोध प्रदर्शन और पथराव की घटनाओं के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों के हाथों 124 नागरिक मारे गए। वहीं 2023 तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक पिछले 4 वर्षों में ऐसी एक भी घटना दर्ज नहीं की गई है। और ऐसा इसलिए हुआ है, जहां एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुई है तो दूसरी तरफ विकास का पूरा जोर दिया गया है। इसी साल मार्च के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में 1500 करोड़ रुपए से अधिक की 84 परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। खेती के विकास के लिए प्रधानमंत्री ने 1800 करोड़ रुपए की JKCIP परियोजनाएं शुरू की, जिसमें 3 लाख परिवारों को फायदा हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गयी। वहीं घाटी में चिनाब रेलवे पुल के आकर्षक दृश्य के साथ घाटी रेलवे से जुड़ने जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में घाटी में 50 से अधिक डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। घाटी धीरे धीरे स्टार्टअप के एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी उभर रही है। वहीं पिछले 5 सालों में 40,000 सरकारी नौकरियां दी गई। जम्मू और कश्मीर में एक तरफ अलगाववाद की आग लगाई गई थी तो दूसरी तरफ नशे की लत में भी युवा पीढ़ी को झोंका जा रहा था, लेकिन अब ऐसे नौजवानों की पौद वहां खड़ी हो चुकी है जिसके लिए एक बेहतर जिंदगी जरूरी है, उम्मीद पर आधारित आतंक नहीं है। हालात कैसे बदल रहे हैं उसको इस बात से समझिए कि इस बार जम्मू और कश्मीर में लोकसभा चुनावों में रिकॉर्ड वोट पड़े। बारामूला में पिछले 8 लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा वोटिंग इस बार हुई, जो बताती है कि जम्मू और कश्मीर के लोग लोकतंत्र में कितनी आस्था रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि जल्द ही राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आतंक के खेल ने घाटी को लहूलुहान कर दिया था, अब असली खेल वहाँ के नौजवानों में नई ताकत भर रहा है। घाटी का खौफनाक मंजर अब खूबसूरत एहसास के नजारों में बदल चुका है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, सरकार ने खेल पर पूरा जोर दिया है। पूरे राज्य में करीब 100 खेलो इंडिया केंद्र बनाए गए हैं, साथ ही करीब 4,500 युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए परीक्षित किया जा रहा है। NDTV ने कश्मीर की पहली महिला फुटबॉलर अफशां आशिक से बात की, जिन्होंने बताया कि हालात कैसे बदले हैं। मैं जम्मू कश्मीर से पहली फीमेल फुटबॉलर हूँ जिसने फुटबॉल का फीवर वुमेंस में यहाँ पे स्टार्ट किया था। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत ही कोई लड़की खेलती नहीं थी, सब लड़के होते थे और लड़कों में खेलना पड़ता था, बहुत डिफिकल्ट होता था, बट नाउअडेज यहाँ पे क्लब्स है। जम्मू और कश्मीर ने पिछले साल G20 की बैठकों का दौर भी देखा है। दुनिया भर से नेता श्रीनगर पहुंचे थे। उन तस्वीरों के साए में दुनिया ने भी देखा कि कश्मीर की हवा कैसे बदल रही है। श्रीनगर से नीता शर्मा की रिपोर्ट NDTV इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में योग किया। योग कैसे जोड़ने वाली शक्ति है इसको भी मुख्यमंत्री धामी ने रेखांकित किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया कि कैसे उन्होंने योग को पूरी दुनिया में फैलाया। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर आज योग को ले जाने का काम उनके नेतृत्व में हुआ है। उन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखा था उसके कारण से निरंतर रूप से आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है।